चक्रवात तोकते के कारण अचानक बारिश वहीं तेज हवाओं ने मीरा भाईंदर के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। वहीं राजस्व विभाग ने नुकसान का पंचनामा शुरू कर दिया है, लेकिन नुकसान सरकारी सहायता से ज्यादा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के उत्तन डोंगरी तरोड़ी पाली और चौक क्षेत्रों में किसानों बागबानी के साथ प्याज और सब्जियां लगाई थी। गोड़बंदर और चैना में आम के बाग भी हैं। चक्रवात ने बागबानी और कृषि को तबाह कर दिया है। क्षेत्र में आम की मांग के बावजूद आधी फसल पर असर पड़ गया है। कई आम, इमली, रतालू और गन्ने के पेड़ गिर चुके हैं, जिस कई वर्षों तक की अपूर्णीय क्षति हुई है। तरोड़ी क्षेत्र में सफेद प्याज की फसल रुके है, पानी से नष्ट हो गई है। सब्जियों के लिए लगाया गया टेंट ढह गया है। सब्जियों की खेती चौपट हो गई है। तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख के मार्गदर्शन में बोर्ड के अधिकारियों व तलाटियों ने मामले को उठाया है। किसान संघ के वैंसी मुनियों ने मांग की है कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार को किसानों को कम से कम 25,000 रुपए की सहायता देनी चाहिए। मीरा भाईंदर नगर पालिका की महासभा की बैठक भले ही ऑनलाइन हो रही है, लेकिन नगर सेवकों ने आरोप लगाया है कि इस ऑनलाइन महासभा की बैठक में मतगणना में घोटाला हुआ है। ऑनलाइन महासभा मतदान और मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ियों ने अब इसकी वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है। अंतिम अनुसूचित ऑनलाइन आम बैठक बुधवार को आयोजित की गई थी। बीजेपी के ध्रुव किशोर पाटिल ने परिवहन सेवाओं के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि भाजपा की नीला सोन द्वारा एक और प्रस्ताव भी रखा गया था। सभी सदस्यों को इस पर चर्चा करनी थी और इसे महासभा में लाने के लिए भाजपा के दौलत गजरे ने भी मंजूरी दी थी। विधायक गीता जैन के साथ शिवसेना के मामले में नीला सोन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि इसलिए अब ऑनलाइन महासभा में वोटों की गिनती की बारी आई तो अजीब बात शुरू हो गई कि समूह नेता को अपनी पार्टी के नगर सेवक के अनुसार वोट देना चाहिए। इसका विरोध बीजेपी शिवसेना के नगर सेवकों ने कुछ नगर सेवकों के साथ विरोध करके जताया और व्यक्तिगत रूप से अपना वोट डालने की मांग की। हैरानी की बात यह है कि मेयर ज्योत्सना हसनाले सभा के से उठकर कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी, जबकि मतदान की चल रही थी। वहीं कमिश्नर दिलीप ढोले और दिलीप ढोले सचिव आदि मौजूद थे। सचिव वासुदेव शिखलकर ने भी शिवसेना समूह के नेता नीलम धवन और अन्य की स्क्रीन पर मौजूद नगर सेवकों की संख्या बताने की मांग को टाल दिया। मतदान का मुद्दा आते ही सत्ताधारी भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के समर्थक मौके पर पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि उसी वक्त नगर सेवकों को बर्खास्त कर दिया गया इस चुनाव प्रक्रिया से। इस प्रस्ताव को लेकर भाजपा में फूट के कारण सभी का ध्यान मतगणना की ओर गया। हालांकि सचिव ने बाद में घोषणा की कि भाजपा के पाटिल प्रस्ताव के पक्ष में 42 वोट पड़े हैं, कुछ भाजपा की नीला सोन के पक्ष में और 31 शिवसेना नगर सेवकों के पक्ष में। कांग्रेस सचिव ने बताया कि कांग्रेस के साथ नगर सेवक तटस्थ रहे। जब सचिव शिखलकर ने उपस्थित नगर सेवकों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 59 भाजपा से, 14 शिवसेना से और कांग्रेस से 7, ऐसे कुल 80 नगर सेवक इस महासभा में ऑनलाइन मौजूद थे। हालांकि शिवसेना गुट के नेता धवन के ने आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया और मतगणना के दौरान ऑनलाइन आम सभा में घोटाला हुआ है और सचिव अभी भी सत्ताधारी दल के एक विवादास्पद नेता की कमान संभालने के लिए काम कर रहे हैं। नियम के मुताबिक वोटिंग के वक्त महासभा में मौजूद लोग ही वोट डाल सकते हैं, साथ ही हर नगर सेवक का वोट रिकॉर्ड किया जाता है। ऑनलाइन महासभा के पदाधिकारी सचिवों की मिली भगत का फायदा उठाकर समूह के नेताओं के निर्देशानुसार वोट दर्ज करते हैं। साथ ही बुधवार को महासभा के दौरान कुछ नगर सेवक ऑनलाइन मौजूद नहीं थे। धवन ने मामले में कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा कि महापौर मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ देर के लिए बाहर गई थी और तभी सत्ताधारी दल को अपने सहयोगी नगर सेवकों से मुलाकात का मौका मिल गया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा की एक टीम ने भाईंदर काशीमीरा रोड पर MD नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 लाख रुपए की कीमत का 80 ग्राम MD बरामद किया गया है। 18 मई की शाम करीब 4 बजे क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहम्मद शेख निवासी डोंगरी मुंबई, आरिफ अक्रम शेख कोंडवा पुणे और शकील कोंडकरी निवासी कल्याण को गिरफ्तार किया है। काशीमीरा रोड पर एक रिक्शा स्टैंड से तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। तीनों के पास से 80 ग्राम वजन और 8 लाख रुपए की कीमत का MD बरामद किया गया है।